कप हम सूजी ले लिए हैं छान के, मोटी वाली हो या बारीक वाली हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें डालेंगे इसी कप से 1 कप दही, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच पाव भाजी मसाला, स्वाद अनुसार नमक। अब इसको एक विस्कर से अच्छी तरह से मिला लेंगे इसको। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, देखिए 1 कप पानी लिए हैं। इसको आराम से धीरे धीरे करके डालना है और धीरे धीरे चलाते जाना है। अब देखिए चारों तरफ से सूजी मिला चुके हैं हम। अब इसको 15 मिनट के लिए हम रेस्ट करने छोड़ देते हैं ढक के। अब देखिए 15 मिनट हो चुका है, अब एक बार देख लेते हैं। ये देखिए सूजी हमारा फूल के तैयार हो गया है। देखिए अब इसमें डालेंगे हम 1 कटा टमाटर, बारीक काट लिए थे, 1 प्याज, 1/2 शिमला मिर्च। आपको जो सब्ज़ी डालनी है वो डाल सकते हैं, जो आप अपने पसंद के अनुसार। अब इसको हम चारों तरफ से अच्छी तरह से मिला लेंगे। थोड़ा सा और पानी इसमें डाल देते हैं, मेरे को गाढ़ा लग रहा है ज़्यादा ये। अब हम डालेंगे इनो, हमारे पास ऑरेंज इनो है, आपके पास जो इनो है वो डाल सकते हैं, नहीं है तो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर वो भी डाल सकते हैं, उससे भी उतना ही फूलेगा। डाल के चला देते हैं थोड़ा सा पानी। अब अच्छी तरह मिला चुके हैं हम। अब हम ये नाश्ता हम गिलास में बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके का गिलास है, इसमें बनाएंगे। इसको हम एक ग्रीस कर देते हैं पहले, ताकि इसमें चिपके नहीं। अब इसमें घोल को डाल देंगे हम, पूरा हमें नहीं भरना है, थोड़ा सा खाली ही रखना है, ताकि जब ये फूलेगा तो अपने आप भर जाएगा। हेल्दी एंड टेस्टी नाश्ता है ये। ये देखिए बस इससे ज़्यादा नहीं भरना है। अब देखिए एक बड़ा सा पतीला लिए हैं, आपके पास जो भी बर्तन इस तरीके का हो, कढ़ाई में भी हो सकता है। इसमें एक रिंग है वो डाल देते हैं, अगर जो आपके पास रिंग नहीं है तो कटोरे को उल्टा करके भी डाल सकते हैं। अब हम गिलास में जो भरे हैं इसको सबको एडजस्ट कर देते हैं इसमें। अब हम सभी गिलासों हम रख दिए हैं इसमें। अब इसको ढक कर हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए एक बार चेक कर लेते हैं कि पूरी तरह पका है कि नहीं, ये बिल्कुल क्लीन निकला है देखिए। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं, फिर इसमें से निकालेंगे। अब देखिए हम इसको निकाल के भी दिखाते हैं, पूरी तरह तैयार है। पहले चाकू की सहायता से इसको चारों तरफ से इसको हिला लेंगे। देखिए कितना अच्छा निकल गया है। देखिए सारे को निकाल चुके हैं, अब इसका कटिंग करेंगे हम। अच्छी काट लिए हैं, आप अपने मनपसंद से अपने काट सकते हैं। इस तरीके से सबको काट लिए हैं। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तवा गर्म हो चुका है, अब इसमें थोड़ा सा रिफाइंड डाल देते हैं, सरसों के दाने 1/2 चम्मच। देखिए चटक चुका है, थोड़ी सी करी पत्ता डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा मिला लेंगे। अब इसमें 1-1 पीस करके डाल देंगे इसे। देखिए इसी तरीके से दोनों तरफ से सेक लेंगे, ये कलर ठीक है। देखिए दोनों तरफ से सीके हैं। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब देखिए खाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब अपने घर में बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।